बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। लेकिन रीडिंग से पहले वन क्लास थोड़ी सी मैं आपको कोई अच्छी बात बताऊंगी छोटी सी, ठीक है? आपने ऐसा वही फ़िलहाल तो हमारे मुल्क में कोरोना ही नज़र आ रहा है जगह जगह, ठीक है? आपने बस अल्लाह ताला से दुआ करनी है। बच्चे हैं, बच्चों की दुआ ज़्यादा जल्दी सुनते हैं कि अल्लाह ताला ये जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में बल्कि आया हुआ है इसको ख़त्म कर दें, ठीक है? इसको ख़त्म कर दें और ताकि हमारा सारे मुल्क का निज़ाम दोबारा से वैसे चले जैसे पहले चल रहा था। और अल्लाह ताला से आपने दुआ करनी है और उसी ने दुआ सुननी है, ठीक है? और उसी ने इस कोरोना वायरस को ख़त्म करना है, क्योंकि वह हमारा रब है, हम सब का मालिक है, तो हम सब के सुनने वाले हैं, ठीक है? उसी के हम आगे दुआ करते हैं तो वो हमारी दुआओं को अपनी बारिगाह में कबूल और मंजूर फरमाता है। आप बच्चे हैं, आपने दुआ करनी है, ठीक है? अच्छा, अल्लाह ताला हमें आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और ये जो बीमारी आई हुई है, जो वायरस आया हुआ है, इससे महफूज रखें और अपनी रहमत के साए में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। रीडिंग से पहले मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, आप लोगों का बच्चों काम आया हुआ है, ठीक है? फर्स्ट लेक्चर जो था उसका कुछ का कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आइंदा से आपने वो सारा जो क्लास वर्क होगा आपने अपनी कॉपी डाउन अपनी कॉपी पे खुद उतारना है, खुद लिखना है, खुद करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। इस तरह तो आपको लिखना नहीं आएगा। जब स्कूल खुलेंगे, आप लोग स्कूल आएंगे, तो हम जब बोर्ड पर काम करवाएंगे तो आपको तो लिखना आएगा ही नहीं बिल्कुल। इसलिए आपने अपनी कॉपी खुद रेडी करनी है, ठीक है? मार्जिन लाइन हेडिंग आपने कलर पेंसिल से देनी है और डेट एंड डे जिस दिन आप जब काम कर रहे होंगे ना, उस दिन जो डेट होगी और जो डे होगा, जो दिन होगा, वही आपने कॉपी के ऊपर मेंशन करना है। ओके, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अब हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है? यहाँ तक तो हमारा पैराग्राफ कंप्लीट है, अब नेक्स्ट पैरा हम पढ़ेंगे। चलें जी। ऑल द अदर डकलिंग्स लाफ्ड एट द अगली डकलिंग। He was sad and lonely. He ran away. He passed the cow and the sheep. They laughed. He passed the horse and the camel. They laughed too. He passed the cat and the dog. They laughed एंड लाव। ये थी इसकी रीडिंग। अब मैं ट्रांसलेशन के साथ आपको बताऊंगी, इसके तर्जमे के साथ बताऊंगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है? ऑल द अदर डकलिंग्स लाफ्ड एट द अगली डकलिंग। ऑल द अदर डकलिंग्स, जो दूसरे तमाम जो थे ना बत्तख के बच्चे, लाफ्ड हंसे एट द अगली डकलिंग, बदसूरत बत्तख के बच्चे पर। ये जो बदसूरत बत्तख का बच्चा था ना, उसके ऊपर जो दूसरे दे अगली डकलिंग देखें, जिससे आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये अगली डकलिंग है और ये दूसरा डकलिंग है, ठीक है? अब जब ये इसको देखते हैं ना, तो वो उधर से गुजरता है, तो वो उसको देखते हैं तो वो उस पर हंसता है, हंसते हैं, ठीक है? ही वॉज सैड, वो बहुत उदास था, सैड भी उदास होना, एंड और लोनली अकेला था, वो उदास और अकेला था। ही रैन अवे, वो वहाँ से चला गया, जहाँ से वो गुजर रहा था ना, जब उस पर वो हंसे तो वो वहाँ से चला गया। ही पास्ट द काओ एंड द शीप, अब ना वो एक काओ बिन गाय, शीप बिन भेड़, भेड़ और गाय के पास से गुजरता है। दे लाफ्ड, वो हंसते हैं, जब उसको देखते हैं ना तो वो हंसते हैं। ही पास्ट द हॉर्स एंड द कैमल, अब जब वो घोड़े और ऊँट के पास से गुजरता है, दे लाफ्ड टू, वो भी हंसते हैं, टू मीन बी, लाफ मीन हंसना। ही पास्ड द कैट एंड द डॉग, अब वो एक बिल्ली और कुत्ते के पास से गुजरता है, ठीक है? दे लाफ्ड एंड लाफ्ड, वो हंसते और हंसते हैं। वैसे क्लास वन, ठीक है, ये स्टोरी तो आपने सुनी है, फिर भी मैं आपको एक बात बताऊँ कि कुछ जो ये तो एनिमल था ना, जानवर, ये बर्ड थे, परिंदे थे, डकलिंग जो है, वैसे भी आप जैसे आप हो, हाँ मैं इंसान जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, यानी कि अगर
हर किसी को अल्लाह ने पैदा किया हुआ, अल्लाह ताला ने बनाया है, ठीक है। ये जो शक्ल सूरत जिस्म है सब अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतें हैं, तो इनको जो बहुत खूबसूरत हैं, कोई बहुत खूबसूरत होते हैं, कोई थोड़े कम होते हैं, कोई इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती, ठीक है। किसी की शक्ल, किसी का चेहरा बहुत प्यारा होता है कि हम कहते हैं कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है, तो सबको अल्लाह ताला ने एक जैसा नहीं बनाया। लेकिन जो ज़्यादा प्यारे होते हैं और जो इतने प्यारे नहीं होते, हमें उन पर हंसना नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है और अगले का दिल भी दुखता है। सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला नाराज़ होता है कि किसी पे हंसना नहीं चाहिए, हाँ वो उसकी शक्ल कैसी है, उसका रंग काला है, वो ऐसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर सबको अल्लाह ताला ने बनाया, सबकी शक्लें, सबका जिस्म अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, कभी भी किसी के ऊपर हमें हंसना नहीं चाहिए। ये इससे अल्लाह ताला, सबसे पहले अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं कि मेरी बनाई हुई चीज़ है उस पर ये हंस रहे हैं, नहीं ये तो गलत बात है, ठीक है। अब इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है मैं आपको उसके मीनिंग बताऊंगी। सबसे पहले है ऑल। ऑल में होता है सब या तमाम। अदर, दूसरे। डकलिंग्स, बत्तख के बच्चे। लाफ में होता है हंसना। एट मीन पर। अग्नि मीन बदसूरत। सैड मीन उदास। एंड मीन और। लॉन्ली अकेला। रैन अवे, वहाँ से चला गया, यानी जिस रास्ते से वो जा रहा था ना वहाँ से चला गया। पास्ट मीन यानी कि किसी चीज़ के पास से गुजरना या जाना। काउ मीन गाय। एंड मीन फिर क्या होता है, और। शीप मीन भेड़। लाफ्ट मीन हंसना। हॉर्स घोड़ा। कैमल मीन ऊंट। लाफ्ट मीन हंसना। टू मीन बी। कैट मीन बिल्ली। डॉग मीन कुत्ता। लाफ्ट मीन फिर क्या होता है, हंसना। ये थी हमारी रीडिंग। अब हम कॉपी की तरफ आते हैं। ओपन योर कॉपीज। ओके क्लास, फर्स्ट लाइन ये जहाँ लिखा हो ना थर्ड लेक्चर, आपने ये नहीं लिखना, आपने इधर मार्जिन लाइन से पहले डेट लिखनी है, ठीक है। साथ उसका ईयर लिखना है, साल लिखना है, और इधर डे लिखना है, दिन लिखना है। यहाँ हेडिंग जो भी होगी, जैसे डिक्टेशन वर्ड और जो हो जाती है, क्वेश्चन आंसर जब आप लिखेंगे तो आप फर्स्ट लाइन को स्किप करेंगे, छोड़ देंगे, फर्स्ट लाइन पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। मार्जिन लाइन आपने कलर से लगानी है, डेट एंड डे पेंसिल से लिखनी है, हेडिंग भी कलर से, नंबरिंग भी कलर से, और जो ब्लू या ब्लैक पॉइंटर से काम लिखा हुआ है वो सारा आपने लेड पेंसिल से करना है। ओके, लेट स्टार्ट डिक्टेशन वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज लाफ्ट। एल ए यू जी एच ई डी। लाफ्ट। लाफ्ट मीन हंसना। सेकेंड वर्ड सैड। एस ए डी सैड। सैड मीन उदास होना। थर्ड वर्ड इज अदर। ओ टी एच ई आर। अदर। अदर मीन होता है दूसरे। फोर वर्ड इज लॉनली। एल ओ एन ई एल वाई। लॉनली। लॉनली मीन अकेला। फाइव वर्ड इज पास्ट। पी ए डबल एस ई डी पास्ट। पास्ट मीन किसी चीज़ के पास से गुजरना या करीब से गुजरना। सिक्स वर्ड इज शीप। एस एच डबल ई पी शीप। शीप मीन भेड़। सेवन वर्ड इज हॉर्स। एच ओ आर एस ई हॉर्स। हॉर्स मीन घोड़ा। एट वर्ड इज कैमल। सी ए एम ई एल कैमल। कैमल मीन ऊंट। नाइन वर्ड इज काउ। सी ओ डब्ल्यू काउ। काउ मीन गाय। हाँ जी, ये डिक्टेशन वर्ड थे। इनको आपने ऐसे ही खुद ममा से नहीं करवाना, पेज रेडी करना है आपने, डेट एंड डे मेंशन करनी है, मार्जिन लाइन लगानी है, उसके बाद डिक्टेशन वर्ड लिखना है कलर से, ठीक है। नंबरिंग कलर से देनी है और आपने ये वर्ड खुद लिखने हैं डिक्टेशन के, चाहे इंग्लिश की डिक्टेशन है चाहे उर्दू के इमला के अल्फाज हैं। आपने ऐसे कॉपी डाउन करना है, कॉपी पे ये काम उतारना है। और मैं बार बार आपसे वन क्लास बच्चों यही कह रही हूँ कि आपने जो इमला के अल्फाज हैं या डिक्टेशन के जो वर्ड हैं, ये आपने रफ कॉपी के ऊपर बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है और फिर मामा को सुनाने हैं, फिर मामा ने आपका इसका टेस्ट लेना है और मामा ही इसके मार्क्स देंगी। और मामा के साथ कोई इस तरह नहीं करना कि मामा थोड़ा सा मुझे दिखा दें, आपने अच्छी तरह से करना है याद इसको, ताकि आपको जब याद हो, जब आप स्कूल में आएंगे तो आपके एग्जाम्स होने हैं, पेपर्स होने हैं इनके, ठीक है। ये ना हो गए हम काम लिखवा के आपको कुछ जब आओ तो आपको कुछ आए ना।
इसको आपने रफ कॉपी के इस पे उतारना है नीट क्लास वर्क, और रफ कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर की तरफ हम आते हैं। फर्स्ट लाइन आपने स्किप करनी है, ठीक, और क्वेश्चन नंबर वन है इसमें, इसी पैराग्राफ में से जो मैंने पढ़ाया है। क्वेश्चन आंसर इसमें और भी बनते हैं, लेकिन मैंने टू क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, इसमें से शॉर्ट शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर ना बनेंगे, चाहे उनका आंसर वन वर्ड का ही हो, लेकिन आपने पूरी लाइन में उसका आंसर देना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर वन क्या है, व्हाट डिड द अदर डकलिंग डू व्हेन दे लुक एट द अगली डकलिंग, के जो दूसरे अदर डकलिंग, दूसरे जो बतख के बच्चे हैं, वो जब उसको देखते हैं अगले डकलिंग को, तो वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं? हाँ जी, आपने पढ़ा ना, दे लाफ्ट, वो हंसते हैं, जिसके पास से भी वो गुजरता है सब उस पे हंसते हैं, दे लाफ्ट। क्वेश्चन नंबर टू है, हु वॉज सैड एंड लॉनली, हु मीन कौन, वॉज मीन था, सैड मीन उदास, एंड मीन और, लॉनली मीन अकेला, के उदास और अकेला कौन था, ये भी आपको बताना चाहिए, अगर आप रीडिंग अच्छी करोगे तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा। द अगली डकलिंग, जो अगली डकलिंग था वो क्या था, वो सैड था, वो उदास था, परेशान था, और वो अकेला था, कि सब उस पर हंस रहे हैं, कि मैं इस तरह का हूँ, सब मुझ पर हंस रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर भी बन गया, आपने ऐसे कॉपी डाउन करने हैं, ये नहीं कि मामा आप क्वेश्चन लिखते हैं आंसर मैं लिखूंगा, सारा काम आपने खुद से अपने हाथ से लिखना है। अगर आपकी मामा लिखती है ना, तो हमें पता चल जाता है कि ये काम आपने लिखा है या मामा ने लिखा है। ऐसे ही राइटिंग में आपने आराम से प्यारा प्यारा काम करना है, और इसी तरह इसकी प्रैक्टिस, इसके आंसर की प्रैक्टिस रफ कॉपी के ऊपर लिखनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, और मम्मा को सुनाने हैं, चाहे लिख के दिखाने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।